तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2020 का 8th जनवरी का पेपर एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल फॉर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकन आर। अब एक्चुअली इसमें हमें ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है और उनमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। वैल्यू तो देखिए हमें याद करनी है नहीं, ठीक है। हमें एक्चुअली देखना था कि किस ऑर्डर में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है, या हम इनको जमाएं पीरियोडिक टेबल में, सोडियम के बाद मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन। जनरल ट्रेंड ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल देन व्हाट हैपेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आता है दो जगह, एक जगह कि अगर मैं मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और इसका है 3s2 3p1। चूंकि ये फुली फिल्ड है, ठीक है, तो फुली फिल्ड होने के कारण दिस वन इज मोर स्टेबल, और जो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगा तो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना देना चाहेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कंपेयर करूँ तो मैग्नीशियम मोर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैं इन दोनों को फ्लिप कर देता हूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोडियम देन एल्यूमिनियम देन मैग्नीशियम देन सिलिकॉन, यानी कि ये इस ऑर्डर में रहेंगे, ठीक। तो अगर मुझसे पूछा है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, तो इसका होगा लोएस्ट, ठीक है, तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 4th नंबर, सबसे कम वाली वैल्यू, या सिलिकॉन हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी इसको हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम सेकेंड नंबर पर है तो ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ठीक। इसका मतलब अगर मैं इधर ऑप्शन देखूं तो जैसा मैंने लिखा है कि 496 737, ठीक है, उसके बाद 577 786, तो ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इनमें ऑर्डर देखूं तो दिस इज लोवेस्ट फोर्थ, दिस इज हाईएस्ट फर्स्ट, दिस इज सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड एंड थर्ड हाईएस्ट थर्ड, तो ये ऑर्डर इस हिसाब से सही होने वाला है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर आयरन निकल कोबाल्ट मैग्नीज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि व्हाट इज मीन बाय थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो यदि हम किसी न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज I1, अगर हम दूसरा निकालते हैं तो ये I2 सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर हम तीसरा निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ही इज आस्किंग अबाउट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसने पूछा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहां पे मिनिमम आनी चाहिए। अब यदि ये स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है, और अगर ये अनस्टेबल है कॉन्फिगरेशन वाइज तो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आयरन मैग्नीज निकल और कोबाल्ट। थर्ड आई चेक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, मैग्नीज 3d5 4s2, 3d8 4s2, 3d7 4s2 कोबाल्ट का। दो दो इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल चुके हैं तो आयरन प्लस 2 3d6 हो जाएगा, Mn प्लस 2 3d5 हो जाएगा, निकल प्लस 2 3d8 हो जाएगा और कोबाल्ट प्लस 2 3d7 हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में रेडियस डिक्रीजेस एंड IE इंक्रीजेस। उस हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 3d5 3d6 उसके बाद 3d7 और हम आगे 3d8 पर, तो कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए कि जब हम इधर जा रहे हैं तो IE की वैल्यू बढ़नी चाहिए,
और बढ़ने चाहिए तो मिनिमम आना चाहिए था इसके लिए, ठीक है। लेकिन होता ही है कि जब मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो 3D5 इज स्टेबल, एंड वाई इट इज स्टेबल, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। और अगर ये हाफ फिल्ड है तो 3D6 की तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका IE जो है वो ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, 3D6 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन है, कौन सा है कि 3D5 मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन मिनिमम कौन सा है, 3D6। और 3D6 किस में आ रहा है, आयरन में। आयरन जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इट बिकम्स 3D6। सो द करेक्ट आंसर इज द आयरन।